हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं हमारी टेक्निकल स्टार्ट करना चाहिए वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोज एंड कॉन्स इन रेडमी 90। ये फ़ोन आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। सबसे अगर बात करूं अगर प्रोज की, तो प्रो सबसे बड़ा है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो है तो प्लास्टिक की, लेकिन जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये देखिए एक पैटर्न है, आपको आवाज़ आ रही होगी, देख सकीजिए एक पैटर्न बनता है और यहाँ पर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेक कीजिए, इस फ़ोन को मैं विदाउट कवर यूज़ कर रहा हूँ और आपके सामने इस पर एक भी स्क्रैच नहीं आया है। और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन जो प्लास्टिक के होते हैं उनको कवर के साथ यूज़ करो तो उतने स्क्रैच आते हैं, तो मैं तो विदाउट कवर यूज़ कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही आला है। सेकंड, डुअल स्पीकर। जी हाँ, यहाँ पर आपको स्टोरी स्पीकर मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी स्पीकर हैं जिस प्राइसिंग में ये फ़ोन आ रहा है। तो स्टूडियो स्पीकर ग्रेट, मतलब ऑडियो के रिगार्डिंग और हेडफोन की वॉइस भी, मुझे हेडफोन के जो आउटपुट है वो भी अच्छा लगा। एक और प्रो वो है इसकी स्क्रीन। अब जो स्क्रीन है वो कहने को तो आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये थोड़ा ओल्ड फैशन है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल HD प्लस स्क्रीन मिलती है। इसी प्राइसिंग में बहुत सी कंपनी आपको फुल HD 720 पिक्सल पे दे रही हैं। यहाँ पर आपको जो हमारा रेडमी 90 है वो फुल HD प्लस स्क्रीन देता है, और ये स्क्रीन काफ़ी, ये जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ये IPS LCD पैनल है फुल HD प्लस पे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस मिलती है आपको। अब मैंने फुल ब्राइटनेस कर दी थी, यहाँ पर आपको देखें विजिबल भी नहीं हो रही होगी, तो मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो फोर्थ सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो है इसकी बैटरी। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये फ़ोन 6000 के साथ भी इतना हैवी नहीं है, जो कि एक अमेजिंग बात है। मतलब मैंने दूसरे फ़ोन यूज़ किए हैं 6000 mAh बैटरी के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मिलता है, और ऑल इन ऑल इन हैंड फील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और जो बैटरी है वो आपको मिलता है 11 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम। मतलब ये बैटरी कमाल है, धमाल है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मतलब बहुत ही इनसेन बैटरी टाइम देता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 662 है उसको भी थोड़ा अंडर क्लॉक किया गया है, उसकी भी जो पावर है थोड़ी कम की गई है, इसीलिए यहाँ पर जो बैटरी टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट आपको 11 आवर मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा इनसेन है। इस फ़ोन को आप 2 से 2.5 दिन या 3 दिन भी आराम से यूज़ कर सकते हो सिंगल चार्ज पे। मैंने इसको चार्ज किया था कल रात में, कल सुबह के टाइम चार्ज किया था मैंने, और अभी जो है ये बिल्कुल सुबह हो गई, हमें लिए पूरा एक दिन हो गया। एक दिन में ये 81% रहता है मेरे पास, मतलब सिर्फ 19% यूज़ हुआ है पूरे एक दिन में। आप सोच सकते होंगे इसकी बैटरी कितनी अमेजिंग है। खैर, बहुत हो गई तारीफें, अब आते हैं थोड़े जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई हैं। एक जो चीज़ मुझे सबसे पहले पसंद नहीं आई है वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर है। अगर आप मीडियाटेक हीलियो G70, G80, G90 या G85 से शिफ्ट कर रहे हो इस फ़ोन पे, तो आपको बाकायदा परफॉर्मेंस का लैग मिलेगा। पबजी इस फ़ोन पे आप लो सेटिंग से ही खेल सकते हो, लो के अलावा मीडियम सेटिंग पे पबजी जो है वो लैग करता है, स्टार्टिंग आती है। ऑल इन ऑल मुझे कभी कभी जो है हल्का फुल्का लैग भी मिला है, और कभी कभी मुझे ऐप्स के दरमियान जो मैं जब ऐप स्वैपिंग करता हूँ तो उसमें डिले मिला है, ऐप ओपनिंग में डिले मिला है। अब ये जो परफॉर्मेंस वाइज इशू है, ये आई थिंक मे बी अगली अपडेट में ठीक हो जाए, लेकिन अभी मुझे ऐप डिले ज़रूर मिल रहा है। लेकिन हो सकता है शाओमी ने, क्योंकि स्नैप बैटरी जो है अच्छी करने के लिए स्नैपड्रैगन 660 को थोड़ा सा अंडर क्लॉक भी किया है, और स्नैपड्रैगन 662 को इतना पावरफुल चिपसेट भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। सेकंड, फ्रंट कैमरा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि इस प्राइसिंग में आपको बहुत से जो फ़ोन है वो 16 MP फ्रंट कैमरे के साथ भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा है वो सो मिलता है, मतलब मुझे परफॉर्मेंस जो फ्रंट कैमरे की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं लगी है। इसके अलावा इस फ़ोन में कोई भी ऐसे इशू नहीं है।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।